नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज जदयू के पूर्व विधायक ललन पासवान बीजेपी में शामिल हुए और इसी मौके पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को रह रह के कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का। अब जदयू पार्टी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। साथ ही साथ लालू यादव पर भी खूब बरसे। लालू यादव को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले इस वीडियो में आप वो देखें। लड़े ये यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार जी। इनका कोई योगदान नहीं। एक फोटो आप देख लीजिए पूरे बिहार में, कहीं भी आंदोलन करते हुए नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा। और छात्र समता में तो ललन जी देखे ही है, कभी नीतीश कुमार जी आंदोलन नहीं। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से भेजा गया मुख्यमंत्री बने और 7 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के फिर दिल्ली में मंत्री बन गए। यही है नीतीश कुमार जी का। कोई योगदान नहीं रहा साथ, भाजपा संघर्ष करते रहे। और जब भाजपा और समता पार्टी का पहला गठबंधन हुआ था साथी, लोग कहते हैं ना कि कंधा पे हमने भी सहयोग किया, तो हम कंधा का ही उदाहरण देना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी अकेले लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी, तो 41 सीट विधायकों का जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और समता पार्टी 6 सीट जीतकर आई थी। मतलब 6 गुना अधिक ताकत किसका था? भारतीय जनता। 7 गुना अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी का था साथी। और तब भाजपा ने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पता नहीं आजकल तो उनके खिलाफ बोलने में भी डर लगता है कि कब क्या बोल देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार कि आज बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। लेकिन साथियों बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए, उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता प्रधानमंत्री बनने का। अब इसका कोई उपाय नहीं था। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई, पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट जो हमारा मुख्य विरोधी पार्टी है वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या, किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रह गया, किसी वर्ग को ना पिछड़े को ना अति पिछड़े को ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टिकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं है। इसलिए साथियों हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टिकरण से बिहार चलेगा और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे। लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण। तो साथियों ये सोचना पड़ेगा, लगातार महिला बिल पर पास होते रहे दिल्ली में, आता रहा लोकसभा में और सब बार कौन फाड़ते रहा याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा राजीव गांधी जी का सपना था इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो, सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना
यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो, अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब रोजगार मिले? इसलिए साथियों, ये पलटी मारने वाली सरकार है और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता तो आपने देखा किस तरीके से ललन पासवान के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया कि बीजेपी अब 2024 और 25 के चुनाव में अपना कमाल दिखाएगी और जदयू पार्टी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। साथ ही साथ लालू यादव को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और कहा कि जिस तरीके से बिहार में अब जो आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन लालू यादव ने आरक्षण किसको दिया है? उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखा है। राबड़ी देवी को आरक्षण दिया, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को आरक्षण दिया, और जब रामकृपाल यादव सीट से मीसा भारती को हराते हैं तो उन्हें राज्यसभा से सांसद बनने को भेज देते हैं। तो इसका मतलब है कि लालू यादव जो है वो सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण देते हैं, लेकिन बिहार की जनता के सिर्फ बात करते हैं, लेकिन बिहार की जनता के बारे में कोई सोचते नहीं है। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर भी खूब बरसे सम्राट चौधरी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे, पटना से साकेत कुमार।